हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, एक ट्रीट होगा हमारे लिए और आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो है तेरी मिट्टी का सॉन्ग, और वो कह रहे हैं, इसमें वो दिखा रहे हैं अनरिलीज्ड वर्सेस, और इसमें है मनोज मुंतशीर। अब मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ, मेरे नामों पढ़ने में मैं बहुत ही मतलब गड़बड़ करती हूँ। एंड दीपक पंडित और रूपाली जग्गा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में जो ये गाना है तेरी मिट्टी, हम सब का फेवरेट होगा। हमारा तो डेफिनेटली फेवरेट है और आपका भी डेफिनेटली फेवरेट होगा ही होगा। इतना सुंदर गाना है कि आप कहीं पे भी सुनो, किसी भी ओकेजन में, चाहे वो आप इस मूवी के अंदर ही, केसरी मूवी में ही देखा हो, या आप इतने सारे, जैसे कोरोना के टाइम भी उन्होंने ये गाना जो था कई जगहों पे उन्होंने अपने वीडियोज में लगाया था, आप कहीं पे भी सुनोगे ना तो आप इमोशनल हो जाओगे, इतना ब्यूटिफुल गाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दिन शगना दा जशन करो, लो ऊंची करो मशालों की, केसरिया सहरे में सज के तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने ही सजदा कभी किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़ के जो रुतबा होता है, जमीने हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भर के जमीन पे लेट गए, जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी, तुम्हें एक बच्चे की मानिंद वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी हैं मिट्टी ने, तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत यही शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार करता कौन, हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्करा के मरता कौन। हाथ तेरे छूटे तो यार से हर गई मैं, तू सरहद पे बलिदान हुआ, दहलीज पे घर की मर गई मैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। तो हारू मेरे सब तुझसे, मेरी होली तो बैसाखी तो, मैं आज भी हूँ जो गन तेरी है, आज भी मुझ में बाकी तू। हम फौजी हैं लेकिन बारूद से नहीं बने, ना हमारे सीने में दिल की जगह डायनामाइट है, ना आंखों में पानी की जगह आग, हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। हमें भी जब अपनों की याद सताती है तो चैन की सांस नहीं लेने देती,
हमारी धड़कनों में हिंदुस्तान है लेकिन पर्स में 5 बरस की बेटी। किसी की फोटो सीने से लगा के सोते हैं, किसी का दिया हुआ तावीज पहन के खुश होते हैं, और घर से चिट्ठी आती है तो लिफाफा चूम के रोते हैं। हमें दवाओं और मरहमों की कमी नहीं, लेकिन जब कभी कोई गोली बाजू चीर जाती है तो माँ की भूख बहुत याद आती है। तो अगली बार जब अखबार में खबर पढ़ना कि गलवान की घाटी में 20 फौजी शहीद हो गए, तो हमें गिनती समझ के भूल मत जाना, साथ ही समझ के याद रखना, क्योंकि हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। सुनते हो रुला देता है, आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मतलब इस दमदार में कहूंगी एक गाना है। और इसमें जब वो बोला ना, जो लास्ट में उन्होंने बोला कि हमें गिनती एक नंबर समझ के मत भूल जाना, वो तो ऐसा मतलब एक लगा ना कि झटका की वाकई। कई बारी कई लोगों को यही लगता है कि हमारे इतने सोल्जर्स मर गए, इतने वो हो गए, तो हम सिर्फ नंबर देख रहे होते हैं, पर हमें वो ना देख के वो एक्चुअली में ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारे परिवार का एक मेंबर थे, तभी हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर, मतलब गाना जब वो जो लेडी गा रही थी वो तो बहुत सुंदर था ही था, पर जब उसके साथ वो शिफ्ट करते थे और ये बोलते थे तो वो भी अमेजिंग था। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज इसमें था, इतना स्ट्रॉन्गली उन्होंने बताया कि हम सोल्जर्स जो है हम आपकी तरह ही हैं, हमारा दिल भी वही है, हर मतलब बॉडी पार्ट वैसा ही है, हमारे दिल में जो है इंडिया है, भारत, वो धड़कता है, पर चोट हमें भी वैसी ही लगती है, सब कुछ वही होता है हमारे साथ जो आप लोगों के साथ होता है, पर जब हमें चोट लगती है तो हमें हमारे पास दवाइयां तो बहुत हैं, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, पर उस टाइम हमें अपनी माँ की जब चोट लगती है तो जो फूंक मारती है प्यार से और प्यार करती है वो बहुत याद आता है, और वही कि जब चिट्ठी आती है तो हम उसको चूमते हैं, वेरी टचिंग, वेरी वेरी टचिंग। तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक सोल्जर अपने दिल से ये सब बोल के हमें बता रहा है, तो सच ही में बहुत ही अमेजिंग था। इनके जितनी बारी आप गाने सुनो वो तो रुला देते हैं, ये वर्स भी ऐसा था कि ये आपको रुला देगा। वाकई हमारे सोल्जर्स हमारे ट्रू हीरोज हैं, एंड उनको जितना सल्यूट करें, जितना उनका थैंकफुल होए उतना ही कम है। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इसकी ये जो सॉन्ग है ये एक मास्टरपीस है, और इसमें कोई जो है सॉन्ग में कोई मैजिकल पावर है जो आपको आपके अंदर हार्ट तक जाती है। मतलब कितने सारे सॉन्ग्स हैं, ये सॉन्ग की जो ट्यून है, जो लिरिक्स है, जिस तरीके से सिंग किया गया है, वो सारी चीज़ों में कुछ मैजिक है कि आप किसी को भी सुनाएंगे तो उसे वो बहुत ही इमोशनल हो जाएगा। इतनी पावर है कि आप किसी भी इंसान को सुनाइए तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। इस सॉन्ग में इतनी पावर है, अब जिन्होंने बनाया है ही इज़ अमेजिंग, कि इस क्रिएटिविटी के इक्वल मेरे ख्याल से मैंने कोई सॉन्ग नहीं देखा जो इतना पावरफुल हो मॉडर्न ज़माने में, अमेजिंग है। और लिरिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो लेडी गा रही है उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, marvelous. बहुत ही marvelous, दोनों ने जो ओरिजिनल जो मेल वर्जन है और जो फीमेल वर्जन है, दोनों की वॉइस जो है अमेजिंग है, लिरिक्स अमेजिंग है, हार्ट टचिंग है, और जो जो म्यूजिक है उसमें सब में मिला के जो है देयर इज सम काइंड ऑफ मैजिक इन दिस।
वाकई को अगर आपको किसी एग्जांपल चाहिए मैजिक का तो ये है। मैं इसलिए लाइटली नहीं बोल रहा, मैं कभी इतनी आसानी से किसी सॉन्ग को इतना जो है अप्रिशिएट नहीं करता आसानी से, बट दिस इज़ अ सुपर पावरफुल सॉन्ग जो ट्रांसेंड करता है डिफरेंट डिमेंशंस में, अमेजिंग सॉन्ग है। और बहुत ही उन्होंने इमोशनल बातें कही हैं, स्पेशली वो जो मदर वाली बात है कि जब बच्चा कहीं गिर जाता है तो सारी मदर्स आती हैं और फूंक मारती हैं और बच्चों को लगता है सब बिंदास हो गया और बच्चा चले जाता है सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पर कि मेरी मदर हैं, उन्होंने अगर फूंक मार दी तो मतलब अगर वो बोल रही हैं ठीक हो गया तो हो गया, राइट। बच्चा फिर चले जाता है खेलने के लिए, चाहे उसका खून लग रहा हो या निकल रहा हो, पर उसे लगता है कि हो गया, ठीक हो गया। तो वही ये बात इमोशन जो था, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो उस सोल्जर को भी अपनी मदर याद आ रही है, मतलब कि तो बहुत ही इट्स ब्यूटिफुल। और मैं यही कहूँगा कि इससे अच्छा सॉन्ग मैंने अपनी लाइफ में मॉडर्न टाइम्स में नहीं सुना। इसे कई लोगों ने गाया है डिफरेंट डिफरेंट लिरिक्स में, और उसी ये ट्यून में पावर है, लिरिक्स में पावर है और सिंगर में पावर है, अमेजिंग। मतलब स्पेशली जो ओरिजिनल है, जो इन्होंने वो बनाया था ओरिजिनल, और जो ये है, दे आर अमेजिंग सॉन्ग्स और बहुत ही हार्ट टचिंग है कि आप भूल मत जाइए, याद रखिए। हर इंसान को लगता है कि अपनी कंट्री के लिए कुछ किया जाए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। यस फ्रेंड्स, तो चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।